साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के हैदराबाद में मौजूद अवैध एन कन्वेंशन सेंटर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। नागार्जुन पर आरोप है कि उन्होंने झील की जमीन पर इस सेंटर का अवैध तरीके से निर्माण कराया था। इसके बाद हैदराबाद आपदा राहत संपत्ति संरक्षण एजेंसी हाइड्रा ने सुबह इसे गिरा दिया। एन कन्वेंशन सेंटर 6.69 एकड़ में बनाया गया था। इसे थुम्मीडी कुंटा झील की करीब 3 एकड़ की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। एन कन्वेंशन सेंटर में कुल 3 हॉल थे। इन्हें बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस कन्वेंशन सेंटर में कई पॉलिटिकल पार्टीज, गैदरिंग और शादियां हो चुकी हैं। 64 साल के नागार्जुन ने हिंदी और साउथ की 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। नागार्जुन की कुल नेटवर्थ 950 करोड़ है। वो जुबली हिल्स स्थित घर में बेटों नाग चैतन्य और अखिल के साथ रहते हैं, लेकिन उनके इस कन्वेंशन सेंटर पर आज बुलडोजर चला दिया गया। हाइड्रा की टीम पूरे साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची थी और एन कन्वेंशन सेंटर, जिसे नागार्जुन ने बनवाया था, इस कन्वेंशन सेंटर को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस कन्वेंशन सेंटर को तोड़ने में, बुलडोजर को इसको जमींदोज करने में करीब 5 घंटे का वक्त लगा। आरोप यह है कि ये कन्वेंशन सेंटर जिस जमीन पर बना था वो झील की जमीन थी और इसे अवैध तरीके से कब्जा कर इस जमीन पर यह कन्वेंशन सेंटर तैयार किया गया था, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई शादियां, कई बड़ी गैदरिंग्स हो चुकी थी। इनमें 3 बड़े हॉल हैं। इन सभी हॉल को हाइड्रा की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से ढहा दिया, जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई सुबह के वक्त की गई, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी बड़ी बुलडोजर और पोकलेन मशीनों के जरिए साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के इस कन्वेंशन सेंटर को, इस अवैध कन्वेंशन सेंटर को गिरा दिया गया।